मित्र, हमें कुछ विषय को अभी थोड़ा इनर वॉल को जाके, आज कन्वोकेशन है, मैंने कहा हम सभी की जिंदगी में विशेष करके जो स्टूडेंट अपने एक अनुभव को लेके, अपना एक एक्सपीरियंस को लेके, अपना एक एनर्जी को लेके आज एक जिंदगी की दूसरी कदम तक पहुंचेंगे, दूसरी पड़ाव तक पहुंचेंगे, उस समय हमें, मैं आज ए पेरेंट, आज ए एल्डर ब्रदर, आज ए पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर, आज ए सोशल एनालिसिस, मैं, मेरे मन में दो तीन बात आ रहा है, मैं उचित मानता हूं कि मैं आपके साथ ऐसे दो तीन विषय शेयर करूं। शुभेच्छा तो मेरा है ही आपके साथ। मित्रों, हम 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड में आज फोर्थ ईयर तक पहुंच गए। 100 साल पहले हमारी देश में, अरे 20th सेंचुरी में 1921 अनुवाद क्या क्या हुआ था, थोड़ा आप उसको, आप अनुभवी हो, आप समीक्षा किए होंगे, नहीं तो आज एक बार करना। शायद बस साहब वगैरह उसी जनरेशन के होंगे, आपकी, आप 1901 कितना है साहब, 45। तो बस साहब हमारे बीच में सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं उस डिकेड के, अरे आज से 100 साल 95 इयर्स की पहले जनरेशन अभी कम बचे हैं। बस साहब 94th या टुवर्ड्स 5th डिकेड तक, अरे एक दो डिकेड के आगे जन्म हुए हैं, लेकिन मैं 100 साल पहले की बात याद दिलाना चाहूंगा। उस समय में देश की स्थिति क्या थी, देश गुलाम था, देश की आइडेंटिटी की क्राइसिस थी, देश के यंग एनर्जेटिक लोग भले ही कैंपस में रहते होंगे लेकिन दिमाग चल रहा था भगत सिंह की भाषण कब सुनूं, गांधी जी ने क्या कहा, सरदार पटेल की आह्वान क्या हुआ, उन तमाम लीडरान की इंस्पिरेशन से उस समय की यंग एंड स्टूडेंट्स देश की आजादी की ग्लानी लिए और पराधीनता की ग्लानी में जी रहा था। पहला फर्क तो यह है, आज हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के अभी हम एक्टिव स्टेक होल्डर है। 100 सालों में हमारी पूर्वजों ने हमें यह फर्क करके दिया, ये आप सौभाग्यशाली समूह हो। आज औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में हम पहुंचे हैं। मित्र, हम विभिन्न कारण से, हमारी देश की सभ्यता बहुत गहरा है। मैं आपकी आज कुछ लाइब्रेरी में कुछ पब्लिकेशंस देख रहा था, आप भी उनको पढ़े होंगे तो आपकी रूट्स के बारे में आपका परिचय थोड़ा बहुत हुआ होगा। दुनिया में मनुष्य सबसे बुद्धिमान आदमी है, उन मनुष्यों की, ह्यूमन बींग्स की सबसे ओल्डेस्ट और रूटेड हैबिटेशन कहीं हुई थी तो उसकी नाम है भारत। भारत में किताब, नॉलेज रिपोजिटरी का नाम है वेद, जिसको स्वामी विवेकानंद जिनके नाम पे वर्ष साहब ने इंस्टीट्यूट बनवाई है। आज भी जो वेद दुनिया को इंस्पायर करने के लिए पर्याप्त है, उस वेद की आयु, अगर मैं तिलक जी को कोट करूंगा, 8000 साल पुरानी है। दैट मीन्स हमारी सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है। उस समय में हम आगे बढ़ते बढ़ते पिछले 300-400-500 साल, अभी अभी आप एक विषय आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हुआ होगा, 5 सदियों की गुलामी के को समाप्त करते हुए महाप्रभु श्री रामचंद्र जी की मंदिर 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह शब्द आपने सुना होगा इन दिनों में, 500 साल की संघर्ष हुई थी,
अरे हम लंबे समय गुलामी के रहने के कारण हमारी एक आत्मविश्वास में कमी आई थी, जो आज हम उभर रहे हैं। मित्रों, युवा साथियों, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 में हमारी कोई स्थान नहीं था। पहला औद्योगिक क्रांति तो हमारी समझ में नहीं था, हम गुलामी की जंजीरों में थे। दूसरे में हम मजदूर बने, तीसरे में हम पेरिफेरियल पार्टनर बने, पेरिफेरियल सुपरवाइजरी रोल पे गया, उसमें उत्पादित चीजों की हमें कुछ लाभ मिला। लेकिन मित्रों, ये अवसर हमें अभी मिला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में। इस बार भारत नेतृत्व करेगा और आप लोग उसकी नेतृत्व करोगे, ये मेरा भरोसा है। यह आपके सामने संभावना है, स्कोप है। आज जैसे मैंने कहा, देश आज दुनिया की ताकतवर अर्थनीति बन चुकी है। आने वाले 3 साल में भारत दुनिया की 3 नंबर की इकोनॉमी बनने वाली है। 3 नंबर की इकोनॉमी की शर्त क्या होती है? कई शर्त होती है। इफ यू वांट टू अचीव नंबर 3 स्टेटस, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, इट कैंट हैपन ऑल ऑफ सडन, ऐसे ही नहीं आने वाला है। यू हैव टू टिल हार्ड सॉइल फॉर दैट, यू हैव टू हार्ड वर्क फॉर दैट। वॉट आर दे फर्स्ट प्रीकंडीशन? जिसकी आंखों में सपना होगा, जिनकी आंखों में नींद नहीं रहेगी, जो जागते जागते सपना देखने को इसको साकार करने की ताकत रखेगा, वही तो दुनिया की 1 नंबर देश बन पाएगा, जो मेरे सारे संभावना आज की मेरे नई पीढ़ी में दिख रहा है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।